शेमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दो बाबूजी। बाबूजी पैर कहाँ? बाबूजी, बाबूजी मुझे आशीर्वाद। आप क्या गलत करने जा रहा है तू? मैंने बाबूजी को बोला था माँ कि एक दिन वो मेरे बारे में बहुत गर्व से बात करेंगे, और वो दिन आ गया माँ। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोड रोलर इस घर में चलने वाला है, और जो भी लोग मुझे देख के मुंह बनाते थे वो समझ लें कि सचिन टिचकुले की शुरुआत हो गई है। बाबूजी आशीर्वाद। इससे पहले कि वो रोड रोलर पड़ा पड़ा सड़ जाए, ये उसे बेच देगा तो अपना कर्जा तो चुकाएगा। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। अच्छा काम करने जा रहा हूँ, ऐसे टाइम पे काली जुबान का इस्तेमाल ना करे तो बेहतर है। बाबूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक मिनट आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। पहले ले तो आप, बाद में दूंगा, फोकट में क्यों अपना आशीर्वाद बर्बाद कर। गुड थिंकिंग बाबूजी, गुड थिंकिंग। माँ माँ माँ, मेरे स्वागत के लिए आरती तैयार रखना, ठीक है? मैं रोड रोलर लेके आता हूँ। हाँ हाँ बाबा जा। भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना। हाँ, अकेले खींचो, अकेले खींचो, सिर्फ अकेले। सोचते हुए ये जा रही है। हाँ। बात सुन, किसी सस्ते पेंटर को पकड़ और इसके ऊपर लिखवा टिचकुले कंपनी का रोड रोलर। चल, और लाल पेंट है, लाल पेंट। चल, चल। हाँ, सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, अब आप रोड रोलर ले जा सकते हो। मुझे आप लोगों से परेशानी नहीं है, पर आप अपने ऊपरी ऑफिसर को बोल देना कि ऐसा टिचकुले के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करे। अभी देखा ना क्या हुआ, आपने खुद देखा भाई साहब क्या हुआ, कैसे ये रोड रोलर मेरे कब्जे में आ गया। उसी तरह आइंदा ऐसे किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो ये सारा का सारा बिल्डिंग मैं अपने कब्जे में ले लूंगा और उस पर लिख दूंगा टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का म्यूनिसिपल ऑफिस। ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ शोर मत मचाओ। मैं तो सिर्फ अपनी भावनाएं बता रहा था। अबे ये भावना अपने घर पे जाके दिखा, अभी रोलर लो, निकलो यहाँ से। टोटल जो खर्चा हुआ उसमें पुलिस स्टेशन में आपकी जमानत करवाई उसका 11,000, रिश्वत दी उसका 5,000, आगे खाने पीने का 300 रुपया, और ये तेरे बाप का पैर हटा, हटा पैर। एक काम कर, गद्दा ऊपर डाल, सो जा, निकल यहाँ से, निकल निकल। टोटल बिल 8,900, चाय पानी का अलग। नारियल तोड़ने को बोला था, पीठ तोड़ने को नहीं बोला था। अरे आप बीच में, तो हम क्या करें? मैं तोड़ता हूँ, लो आप फोड़ो। अबे तेरी तो, क्या रे ज्यादा चर्बी चढ़ी तेरे को, एक दूंगा ना। मैं थोड़ा नारियल फिसल गया मेरे हाथ से। आप जाइए, नया कांच लगवा दीजिए, मैं पैसे भिजवा दूंगा आप थाने, जाइए। अरे कब्जा देखने नहीं है जीजा जी? कब्जा क्या मुजरा है जो देखने आऊं? ये तमाचा है उन लोगों पे जो मुझे आलसी समझते हैं। अरे आओ आओ सब लोग आओ, कब्जा देखने आओ, देख लो आम आदमी की कैसे जीत हुई और म्युनिसिपैलिटी वालों की हार हुई। आओ मैडम मैडम मैडम, ये ना चीज आपका रोड रोलर लेके जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसा कोई भी इंडियन जो देशभक्त है वो अपने देश के साथ इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। मैडम यहाँ पे इंडियन कौन? अमेरिका में जाओ तो अमेरिकन मिलेंगे, जर्मनी में जाओ तो जर्मन मिलेंगे, फ्रांस में जाओ तो आपको फ्रेंचमैन मिलेंगे, इंग्लैंड में जाओ तो इंग्लिशमैन मिलेंगे, और इंडिया में जाओ तो आपको मिलेंगे मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयाली, बंगाली। इंडियन कहाँ है? इस देश में सिर्फ एक ही जगह आपको देश प्रेम देखने को मिलेगा, वो है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। बाकी कहीं भी आपको देश प्रेमी नहीं मिलेंगे। सबको अपनी तिजोरी भरनी है, सबको अपना पेट फुलाना है, दैट्स ऑल। गुड बाय मैडम। और हाँ, बड़े इत्तेफाक की बात है मैडम, जब मैंने म्यूनिसिपैलिटी का सत्यानाश करना शुरू किया उसी वक्त आपने अपना ओहदा संभाला, आपके सार गए और आपका नाम खराब हो गया। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, ठीक है मैडम? अच्छा अच्छा, राम 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 राम। कुल मिलाकर टोटल भी चला सकते हैं इसे, गाड़ी के लाइसेंस पे थोड़ी चलता है, इसको चलाने के लिए अलग ड्राइवर अलग लाइसेंस चाहिए। तू किसी को जानता है? भाई मैं जानता हूँ एक अच्छे ड्राइवर को, अपना पड़ोसी है,
बोल तो लेके आऊं। अरे जा लेके आ। हाँ। जल्दी जा। पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं। अरे खाली अंशुमान पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमान पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान? हाँ, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं नहीं। घाट वालों में नहीं? गिर गर्दन घाट। गिर गर्दन घाट? अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट। हाँ। उसमें बड़ा बड़ा मतलब। हाँ। तीन हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलन की ओर जा रहा था। हाँ। और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले कभी उधर चले, कभी इधर चले कभी उधर चले, अन दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना, तेरे को लगेगा तू यमन में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अरे बात मांझे क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है? नहीं। क्यों? क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना, वो तीन दिन बाद पहुंचता है। अचानक रोड रोलर का ब्रेक फेल, फिर ये नीचे था गाड़ी, ये मैं छोड़ा नहीं, जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ, इंजन रॉकेट के मापी दौड़ रहा था, धक 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 धक, रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। और फिर? फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी। हाँ। रोड रोलर जाके पेड़ को लगा घटकन, पेड़ खाई में गिरा भटकन, फिर रोड रोलर जाके किनारे पे लटका। ये किनारे पे ऐसा बैलेंस, ये बैलेंस सब पब्लिक देख रही थी। मैं ऐसा निकल के, ये निकल के किनारे पे संभल के आ गया। फिर PWT मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उधरिच? उधर नहीं, तीन चार दिन बाद में आके दिया। आके घर पे दिया। हाँ। पीठ पे थपथपाया। हाँ। बोला तू अंशु? हाँ। तू अंशुमान नहीं। हाँ। तू हनुमान है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। मस्करी करता क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं, नहीं फेंक रहा, फेंक रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक ही नहीं है ना, चल साइकिल घुमा, चल जाके किसी और को ढूंढ ले, चल। एक मिनट एक मिनट, अरे हमें पूरा यकीन है। आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए, ए गाड़ी घुमा। बोला था दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। चीटी? लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ, चीटी, मामा जी, क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या आदमी? ए चाबी दे, चाबी दो, चाबी दो, ये लीजिए। दाहिने हाथ से दो, ये लीजिए। कुल मिलाकर खर्चा? हाँ मालूम है मुझे, मालूम है। कुल मिला के खर्चा आपका 10,452.55 और 99 रुपए आपके रिक्शा के। बराबर बराबर याद है आपको? अरे हाँ भाई, मुझे किसको कितना देना है, कितना लेना, सब इस बोरिये के अंदर लिखा हुआ। और एक बार ये रोड पे गड़ाकर चलना शुरू हो जाए तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आपके पैसे आपके ऑफिस पहुँचा दूंगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। ए ढीले, जरा डीजल डाल। अभी इसमें पेट भर के डीजल डाला मैंने। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। ए लोड कर। हाँ। जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे, जल्दी दे, जल्दी दे। हाँ। ये लो। ये लो। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। प्रॉब्लम क्या है? इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा। ए अम्मा कर तो अंडा चिया, ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में, हट ले, हट। किधर जाने का पत्ता बोल, पत्ता बोल। हरामी उधर, उधर। तुम में से कोई भी नहीं आएगा समझे ना, सब लोग चल के आएंगे, सिर्फ मैं चढ़ूंगा ऊपर। चलो, बंद क्यों हुआ? चल, अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो, कहां से पकड़ के लाए इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना, ये बंद होता है, पनौती उतर, उतर नीचे, उतर। अब भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। हेल्प आप भी ठीक करके देता हूँ,
अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। स्पार्क प्लग में लोचा है। ए लोनकर जी, डिब्री खोलने का पाना दे मेरे को। ये लो। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गियर बॉक्स टूट गया, अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ। कब करेगा ठीक? गिर गर्दन घाट का नाम सुना? अरे वो कहानी मैं बाद में सुना दूंगा, जाके काम करो। कौन सी कहानी है? अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरा गियरबॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। गियरबॉक्स? फिर तो बहुत वक्त लगेगा। ये तो रोलर को खांदे बोलो, लास्ट के वहां के लेके जाओ। रोलर ला खांदे और के होंदा के रे माला भी जतरा लगे। बंद कर, करना क्या बोलो? अरे मैकेनिक को बोलो और पूरा गियरबॉक्स बाहर निकलवाओ। ये जो बोल रहा है ना, करो। वो वेल्डिंग मशीन में लेके आना, चार पांच खड्डा गिर गया उसको भरने का है। भाऊ जो बोलता कर। और कुछ चाहिए? दो तीन चाय, एक वड़ा पाव, बिरयानी बोल दे। हवा मेरे को इसकी तरह बराबर लग रही है, पर ये पही अगर हम निकल सके तो मालूम पड़ेगा कि इसकी इधर लोचा क्या है। लगता है इसका एक एक पार्ट है ना, काट के इधर से लेके जावे वही अच्छा है। अरे लौंडकर। हाँ भाई। अरे जरा गियर बॉक्स में घुस के देख, चूहा या घोरपट तो नहीं घुसले उधर? सब देख लिया उधर। अरे गंगिया, अरे इसमें देख कॉर्पोरेटर है कि नहीं देख। ये जम्मा ये थोबड़ पे क्या लाइट मार के बैठा? ये दाढ़ी बना के तेरा सलून में बैठे। हट, 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 लाइट मार उधर, लाइट मार। ओ भाई साहब, एक मिनट जरा। हाय वे, बराबर देख रहे उधर, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सुबह के चार बज गए, अब कब तक काम खत्म होगा? आप भी ठीक कर रहे हो, अभी तो हाथ में है। बस यही लाइन सुनते हैं, अभी आ हाथ में। चल ना, एक काम कर, मेरे जांगे पे बढ़िया। अभी तक तुम इसे लेकर गए नहीं? आपने कुछ कहा? मैंने कहा अभी तक तुम इसे लेकर गए नहीं। अगर मैं इसे लेके गया होता तो ये यहाँ पड़ा होता? ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। हाँ है। और अभी हमारी प्रॉपर्टी पर पड़ा है। अगर इसे यहाँ से इसी वक्त लेकर नहीं गए तो मजबूरन मुझे हर घंटे इसका भाड़ा तुमसे वसूलना पड़ेगा। हुकुम करिए, भिजवा देते। नहीं नहीं मैडम, हम अभी का अभी इसे ले जाते हैं। और अगर नहीं ले गए तो दिन का 10,000 रुपए भाड़ा। 10,000 क्यों? 10,00,000 भिजवा देते अभी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। भाड़ा नहीं भरा तो हम लोग रोड रोलर पर कब्जा कर लेंगे, समझे? अभी बहुत हो गया, करके दिखाइए, देखते। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ। हाँ दिखाइए, डर गए क्या? डर गए क्या? और अगर नहीं ले जा सकते तो लकड़ियाँ लाके इसे यही जला के हड्डियाँ गंगा में बहा देना, कम से कम पुण्य तो मिलेगा। साले जब से तेरा धोबड़ा देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मेरे पे भरोसा नहीं तो हमारा 5,034 रुपए हमको दे दो और हमको छोड़ दो। 5,034 रुपए किस बात के लिए? इसकी माँ बहन करने के लिए? इसकी माँ बहन करने के लिए नहीं, ये सब परिवार खोल के इधर रखने के लिए, समझे क्या? किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या?
ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। मिनट देखो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ तमाशा मत बनाओ हैं। एक तो ये सरदर्द है, दूसरा तुम दोनों सरदर्द हो। ये लोग आया था, इनको जरूरत की नहीं। फिर जो हो गया सो हो गया, कैसे भी करके इसको यहाँ से बाहर निकालो। पहले इस पागल को बोले इसे ठीक करके बाहर ले जाए। किसको बोला पागल? कौन पागल? मैं पागल। किसको बोला पागल? मैं पागल। एक मिनट एक ही तरीका है। क्या है? इसे अपने सर पे उठा के लेके जाओ। भाऊ हम इसको हाथी से खिंचवा लेते हैं। और खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं और खर्चा नहीं कर सकता। और खर्चा नहीं। सुनो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जाता हूँ हाथी लेकर आता हूँ। झगड़ा नहीं। हाथी बिल्कुल।
बिल्कुल वो देखते हैं कि भैया भैया उठो भैया उठो भैया उठो क्यों बाबूजी की मुसीबतें बढ़ा रहे हो क्यों क्या हुआ तुमने किसी का घर तोड़ा है हाँ कभी कहाँ कभी कैसे ये नहीं पता बाहर जाके देखो मोटा आदमी खड़ा है पुलिस के साथ और शोर मचा रहा है मैं यही सोच रहा हूँ कि इतनी देर क्यों लगा दी पुलिस ने तू एक काम कर तू जा बाहर खड़ी रहे मैं तैयार हो गया तू चल चल जल्दी चल आज मैं पुलिस के साथ अपना सारा खाता बंद ही कर दूंगा देख अच्छा भला इंसान शांति में रह ही नहीं सकता तू चल ऐसा सबक सिखाऊंगा सालों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग अभी कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे मुझे भैया भैया बाबूजी 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 भैया दीवार कूद के भाग गए भाग गए इन्हें जान से मारने की कोशिश की है ऐसा केस दर्ज किया आपके बेटे के खिलाफ जी मैं उसकी तरफ से माफी मांगने को तैयार हूँ नहीं नहीं देखिए माफी वाफी मांगने से काम नहीं चलेगा आपको इन्हें हरजाना देना होगा मैं उसके लिए भी तैयार हूँ ठीक है चलिए इसके लिए आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा एक 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 बात बताइए मेरी समझ में ये नहीं आता क्या ये सच में आपकी औलाद है ओह मेरी समझ में तो आ गया कि ऊपर वाले ने एक ही नमूना बनाया ऐसा उसके बाद उसने वो सांचा ही तोड़ दिया भैया माँ बुला रही है खाना खाने चलो मुझे नहीं खाना तुमने जानबूझ के तो घर नहीं तोड़ा ना और फिर बाबूजी ने पैसे चुका भी दिए ना उनके चलो मेरा नाम बदनाम था लेकिन माथे पे कलंक नहीं था आज बाबूजी को जेल भिजवा कर मैंने वो कसर भी पूरी कर दी जब भी कुछ सही करने जाता हूँ गलती हो जाता है ऐसा सोचो कि तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है सब बदल जाएगा और एक दिन मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी बनेगा और सबको तुम पे गर्व होगा ये मेरा दिल कहता है अब चलो फटाफट खाना खा लो देखो अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी कह देती हूँ हाँ सब्जी कौन सी है गनपुले मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ यस मैडम टिचकुले अपने कुछ दुखड़े सुनाना चाहता है जी कुछ गलतियाँ म्यूनसिपालिटी ने की है और कुछ गलतियां टिचकुले ने भी की है लेकिन ये सब खुंदक मैं अपने अंदर दबा के नहीं रखता क्योंकि मैं खुंदक ही नहीं एक्सक्यूज मी आई एम बिजी जी टिचकुले भी बिजी है पर अदालत ने बोला रोड रोलर पे कब्जा कर लो इसलिए मैंने किया लेकिन ये सब मैंने म्यूनसिपालिटी से दुश्मनी निकालने के लिए नहीं किया क्या चाहते हो मुझसे जी वो निरीक्षण करके मेरे बाकी के पैसे मेरे मजदूर बेचारे गरीब हैं मैं कुछ नहीं कर सकती इंजीनियर से जाकर पूछो क्या हुआ भाऊ वो बोले इंजीनियर से बात करो वो नहीं माने वो मानेगा मैंने बोला था ना खिलाओ हाँ वो मुझसे लेगा अरे वो अपने बाप से भी लेगा अभी मैंने देखा कि भूलेश्वर आया था एक बंडल लेके और गया खाली हाथ कैसे पर खिलाऊं कैसे जो कुछ भी आपकी जेब में फटाक से उसकी जेब में डालो फिर बात करो जीजा जी मैं अंदर आऊं नहीं ओके जीजा जी एक मिनट के लिए आप भूल जाओ कि आप मेरे जीजा हो और मैं आपका साला वो सब मुझे याद मत दिला जी कमिश्नर ने बोला आपसे मिलूं ए क्या है ये रिश्वत रिश्वत कम है अरे ये रख लीजिए ए किसने कहा मैं रिश्वत लेता हूँ किसने कहा हाँ मेरी बेइज्जती करने आए हैं जी कमिश्नर ने बोला सिर्फ आप मेरे रोड का निरीक्षण कर दीजिए बस ए पुलिस को बोला गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में तुझे अभी क्या भी अंदर डालवा दूंगा लेकिन मेरी बात रिश्वत लेते हुए पकड़ी गए रखो बोल रहा करना
क्या हंगामा हो रहा है ये? मैडम ये कट बोला क्या? आपने इसे बोला ये रिश्वत देने के लिए? मैंने कब बोला? झूठ बोलता है, सबने सुना है यहाँ पे, मैंने सबने सुना है। अभी क्या पुलिस को बुला? ये आदमी तो मुसीबत है, मैं नहीं चाहती पुलिस यहाँ पर आए। अपने पैसे उठा और निकलो यहाँ से, दोबारा इसको अंदर मत आने देना, बोल दो सबको। लेकिन इसमें 100 रुपए कम है, वो आपकी जेब में। निकलो यहाँ से। कहाँ फेंका? नीचे। बराबर। ये रिश्वतखोर आपका रिश्तेदार है? किस्मत फूटी थी मैडम मेरी, मुझे नहीं पता था ये गंदगी उसी खानदान की है, नहीं तो मैं रिश्ता ही नहीं जोड़ता ना। बाबूजी पहले ही हमारी इतनी मुश्किलें और परेशानियां हैं, ऊपर से वो इस घर का बिगड़ा हुआ शहजादा दिन पर दिन खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहा है। इसलिए कह रहे हैं अंजलि की शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। सोच रहा हूँ इस साल अंजलि की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद उसकी पढ़ाई करवा के, उससे नौकरी करवा के और उन पैसों से अपने परिवार का पेट चला के कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये लड़का अंजलि को चाहता है और पसंद भी करता है, और आप क्या जानते हैं वो संजय राणा के बारे में? कोई मामूली आदमी नहीं है वो। उसकी शान और शौकत देखकर उसे कोई भी अमीर घराने की लड़की मिल सकती है ऐसे। मेरे पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए हैं, अब आप लोगों का फर्ज है कि उसकी जिम्मेदारी उठाओ। आप जो चाहोगे वही होगा। बाबू ये क्या रिक्शा खरीदा तू? नहीं तो? तो ये बिल किस चीज का? 250 रुपए का रिक्शा। आज से तू साइकिल पे जाएगा खाना ना ले। चल साइकिल पे नहीं जाऊंगा बाबू मैं। क्यों? मेरे पैर नहीं पहुंचते। तो एक काम कर, चल के जा। चल चल भाग ऐसे। चल यहाँ पे खाना नहीं दे रहे ठीक है, पर दावत पे तो बुलाओगे ना? किस बात की दावत? अरे आपके बहन की शादी हो रही और हमें निमंत्रण तक नहीं दिया। किसने बोला तुझे? अरे वो प्रिंटिंग वाले ने, बस में मिला था, बोला वो शादी की कार्ड छाप रहा है। आपकी बहन की शादी हो रही है संजय राणा से, मालूम नहीं आपको? अरे जाके हाथ तो धो ले बेटा। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लड़ाई करता हूँ, लोग मुझे गालियां बोलते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैं आप दोनों का बेटा हूँ? क्या अंजलि मेरी बहन है? अगर है तो मुझे बाहर वालों से क्यों पता चलता कि उसकी शादी होने वाली है? आप लोग क्यों नहीं बता सकते मुझे, बोलो बेटा। वो तेरे जीजा और तेरे भाई ने ऐसे आदमी से शादी करवा रहे हो जो माराकटी और गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं करता? तू तो भाषण दे ही मत, हमें आज ऐसे भाई की जरूरत नहीं जो अपनी बहन के लिए सिर्फ भावनाशील रहे। तेरे पूर्वज मेरे लिए ये घर छोड़ गए, नाम के लिए रह गया राजा। मैंने एक कोड़ी आज तक गलत तरीके से नहीं कमाई, रिटायर होने के बाद जो मिला वो अपनी बेटियों की शादी में लगा दिया, और जो बचा तूने उड़ा दिया। लेकिन बाबूजी पैसे के ऊपर भी तो कुछ नहीं, ये मेरा तजुर्बा है। तेरा भाई और तेरे जीजाओं के पास जेबें भर भर के पैसा है, उनके बच्चे बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं और जब छुट्टियों पे आते हैं ना तो दिल खोल के खर्चा करते हैं, वो लोग एक बेहतर जिंदगी जीते हैं बेटा। तेरी माँ यहाँ नौकरानी है और मेरे शब्दों की यहाँ कोई कीमत नहीं, अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो अंजलि की डोली कभी नहीं उठेगी। लेकिन बाबूजी कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि अंजलि के मन में क्या है? मुझे कुछ नहीं जानना है, मेरे पास कुछ बचा है तो सिर्फ ये घर। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं यहाँ चैन से मर सकूं। पर बाबूजी मैं तेरी हर बात सुनूंगा, जा पैसे लेकर आ और अपनी बहन की शादी करा दे जहां वो चाहती है। जिनकी जेब में पैसे ना हो वो आदर्शों की बातें मत करें। कुछ चाहिए तो खा ले जा। सेठ जी
सेठ जी। क्या है? सेठ जी आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? कल रात को मेरी माँ बेहोश हो गई, मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ रेणुका, खाने में क्या भेजोगी? अरे नहीं, चपाती मत भेजना, चावल भेजना, चावल। हाँ ठीक है, हाँ उसे। एक मिनट, लाइन पे खड़ी रहे, लाइन पे रहे। हेलो, हाँ रामचंद्र जी, हाँ बोले बोले। हाँ आपकी लिस्ट मिल गई है, मैं जरा ये चेक करके देखता हूँ दुकान में सामान है कि नहीं। हैं, लाइन पे रहिए, लाइन पे, एक मिनट लाइन पे। गोपी, हाँ जरा ये चेक कर सामान है कि नहीं दुकान में। हैं, जल्दी कर, बता मुझे, बता। हाँ भाई, तेरी माँ बेहोश हो गई। हाँ, बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 5 बोतल खून चाहिए, तो ब्लड बैंक से 5 बोतल खून खरीद के जब वापस आया तो उन्होंने बोला 5,000 रुपए काउंटर पे भरने पड़ेंगे। तो 5,000 रुपए जब काउंटर पे, छोटे के लिए चाहिए, अपने पास बड़े के लिए? अच्छा, छोटे के लिए नहीं है। हेलो, देखो छोटे के लिए नहीं है, बड़े के लिए चलेंगे। चावल में केले कैसे मिलाओगी? अरे अरे रेणु रेणु, तुम हो, तू रामचंद्र के साथ वहां क्या कर रही हो? हैं, अरे एक काम करो, चावल के साथ अंडा करी भेज दो, ठीक है? और लाइन पर रहो। हेलो, देखो छोटे केले नहीं है, अंडा करी है, भेज दूं? अरे नहीं नहीं रामचंद्र जी, क्षमा जाता, मेरा मतलब छोटे केले नहीं है, बड़े केले हैं, चलेगा? हैं, हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ, लाइन पर हो भाई। उफ, सेठ जी। हाँ, तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ अस्पताल में बेहोश हो गई। यार तू, मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा, तेरी माँ? हाँ, बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, भरने के लिए 5,000 रुपया नहीं थे तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, वो बोला मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपया। मैंने बोला 4 तोला? पेंट का 5 किलो का डिब्बा नहीं है, 10 किलो का है, चलेगा? अच्छा पूछता, सेठ जी, मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे चाहिए प्लीज। रुको एक मिनट। हेलो रामचंद, 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी है, चलेगा? शादी की बात कौन बोला? अबे साले, तू अभी बोला शादी करनी है तेरी बहन की, तू बोला? सर जी, मैंने बोला मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है। तूने बोला? हाँ, सॉरी, पेंट। हाँ पेंट का 10 किलो का डिब्बा है, चलेगा ना? हाँ ठीक है, तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ भाई, हाँ तो तू, तेरी माँ की शादी? मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार, अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई, मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसकी माँ? ताला नहीं है अपने पास। है? ताला नहीं है अपने पास, खाली कड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको। हेलो हेलो, हाँ कड़ी है। अंडे में कड़ी कैसे डालूं? अरे रेणुको, तू है क्या? लाइन पर, एक मिनट। ओफो, हेलो रामचंद, ताला नहीं, अंडा है, भेज दूं क्या? कड़ी चलेगी? हैं, हाँ तो ठीक है, कड़ी भेजता हूँ। लाइन पर हो, उसको भेज दो ना भाई। हाँ भाई, तेरी समस्या क्या है? सेठ जी, मेरी बहन की शादी है। सेठ जी, मुझे पैसे चाहिए। मैं कुछ भी गिरवी रखने को तैयार हूँ सेठ जी। गिरवी? तू? हेलो हेलो रेणुका, जरा लाइन पर रहना, बताता हूँ। रामचंद, लाइन पर रहना, बताता हूँ। हाँ तो तू अपनी माँ को अस्पताल में गिरवी रखे आया, बेहोश हो गई, अस्पताल ले गया, खून खरीदा, डॉक्टर को पैसा दिया। अरे तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन हुआ, माँ मर गई। हेलो रेणुका, तूने जो भी तैयार किया ना भेज देना। हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ तो भाई, तेरी बहन मर गई। मेरी बहन मरी नहीं है, उसकी शादी है। आपको पैसे देने दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, बकवास सुनने नहीं है आपकी यहाँ। अरे जा, कितना अकड़ रहा है, कितनी बार उधार ले चुका है तू, है? अब अकड़ के जा रहा है, अभिमानी, इसका घमंड देखो। अरे गोपी, इसको पकड़ो, साले को, कमीने को छोड़ना मत। कितनी बार उधार लेकर गया है, अकड़ रहा, रावण की औलाद है, कमीना साला। तो तेरी माँ बेहोश हो गई। बेहोश हुई तेरी माँ, बाहर में जाए तेरा पैसा,